दिल्ली हाई कोर्ट ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स नू फंड देन दे मामले च मुलजम जगतार सिंह जौहल दी जमानत पटीशन खारिज कर दिती है। कोर्ट ने कहा कि जौहल मामले दे बाकी सारे साजिशकर्तावां नू जानदा सी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि तथ्य दसते ने कि वह फंडिंग गतिविधियां च शामिल सी। जगतार सिंह जौहल यूके दा वसनीक है जिसके कई कतलां च शामिल होण ते खालिस्तान लिबरेशन फोर्स नू फंड देन दा इल्जाम है। जगतार सिंह उर्फ जग्गी जौहल स्कॉटलैंड का रहने वाला है। जौहल नू 4 नवंबर 2017 नू जलंधर तो गिरफ्तार किया गया सी। अक्तूबर 2017 च विआह करवाउण लई जग्गी भारत आया सी। विआह तो 15 दिन बाद पुलिस ने उस नू गिरफ्तार किया। कतल की साजिश रचण ते भारत च हिंसा फैलाउण की कोशिश ते जग्गी ते इल्जाम ने। साल 2023 च ब्रिटेन के उस वक्त के प्रधानमंत्री रिशिक सुनक ने इस गल की पुष्टि की सी कि उन्होंने जगतार सिंह जौहल की रिहाई का मुद्दा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुकया है। कुल 70 संसद मैंबर ने प्रधानमंत्री सुनक नू एक चिट्ठी लिख के इस मामले च दखल देने लिए कहा सी। 4 दिन पहला ही स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर ने कहा कि वह भारत की जेल च लंबे समय तो बंद स्कॉटिश सिख व्यक्ति की नज़रबंदी नू लैके चिंतित ने। जग्गी का परिवार लगातार रिहाई लिए हाथ पैर मार रहा है ते कह रहा है कि यूके सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह जग्गी नू घर लेके आउण। पर वड्डी खबर है, वड्डा झटका जगतार सिंह जौहल नू। दिल्ली हाई कोर्ट ने जौहल की जमानत पटीशन खारिज कर दिती है। बाकी तुसी की कुछ कहना चाहोगे कॉमेंट करके जरूर दसो ते देखते रहो पंजाब तक।